जहां एक और कानपुर देहात के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 साल तक के बच्चों को खसरा रूबेला का टीका लगाने की कवायद की जा रही है। वहीं इस टीका के लगने के बाद बच्चे बीमार और बेहोश होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद की तहसील भोगनीपुर क्षेत्र के गांव अततारपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला, जहाँ करीब 60 बच्चों को खसरा रूबेला इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगते ही करीब 21 बच्चे अचानक से बेहोश और बीमार हो गए और विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची डॉक्टरों की टीम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्कूल के बच्चों का तत्काल उपचार कराया और जिन बच्चों की नाजुक हालत थी उनको एम्बुलेंस के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं छात्र छात्राओं के परिजनों ने टीकाकरण के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया। आक्रोशित ग्रामीणों को देखकर प्रशासन के अधिकारियों ने स्कूल में पुलिस बल भी तैनात किया। किसी के पेड़ में बाबूजी दर्द है, किसी का सिर पर आ रहा है, तो जो जो हफ्ता खान बाद जो कुछ हो गया उसमें उसका तो जिम्मेदार को बनेगा। कहाँ रहने वाले हो, क्या है, क्या हुआ आप लोगों को? आपको चक्कर किस वजह से आए? सुई इंजेक्शन लगाया गया किसके द्वारा? अच्छा अच्छा खसरा वाले। तो आप लोग बेहोश हो गए क्या आप लोग? किस चीज के इंजेक्शन? इंजेक्शन लग रहे थे जिसमें दो बच्चे इंजेक्शन 60 बच्चों को लमसम लग चुका था, तब दो बच्चे बीमार अचानक से अचानक कब कभी ठंड लगने लगी, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को देखकर अधिक 21 बच्चे बीमार। उसके लिए क्या किया गया है? सर एम्बुलेंस के बुलवाए गए और डॉक्टर उपचार।